गाइस वेलकम बैक माय अनदर न्यू ट्रैवलिंग व्लॉग। सो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है और हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज, जो कि दोस्तों यहाँ से लगभग 213 किलोमीटर दूर है। और हम लोग जाएंगे बाई ट्रेन और आप लोग दिखाते हैं दोस्तों वहाँ का नज़ारा कैसा क्या होता है। सो चलते हैं दोस्तों वहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा। सो लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंटर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर चलकर। गाइस यहां पर कुल मिलाकर 8 नहीं 10 प्लेटफॉर्म है और हमारी जो गाड़ी है गाइस वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से गाइस अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है ट्रेन। तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से यहाँ का व्यू है गाइस। आइए दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन पर और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि दोस्तों हमारी जो मंजिल है वो यहाँ से लगभग 213 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं गाइस। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं फतेहपुर और जो दोस्तों अगला स्टॉप है वो है प्रयागराज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, दिखाते हैं हम लोग प्रयागराज का नज़ारा। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज और अब जाकर हम लोग लेंगे रूम एक अच्छा सा, दिखाते हैं आप लोगों को रूम का नज़ारा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो थी उस सुबह दोपहर इवनिंग टाइम जो 5 बजे थी और हम लोगों को पहुँचाना था 9 बजे, तो उस ट्रेन ने पहुँचा दिया है 8:45 पर, जो कि 15 मिनट पहले ही पहुँचा दिया है। तो दोस्तों चलते हैं रूम पर, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से गाइस क्या क्या होता है। तो गाइस रूम तो हम लोगों को मिला नहीं है, यहीं प्लेटफॉर्म पे ही रात बितानी पड़ेगी। और सुबह चलते हैं प्रयागराज संगम का नज़ारा और दिखाते हैं हम लोगों को संगम का नज़ारा यहाँ का। चुके हैं त्रिसंगम के तट पर, आइए आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से नज़ारा, यहाँ का नज़ारा कैसा है गाइस। आप लोग पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे।